कर रहे हैं उस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें अपर्णा यादव ने कई इशारे किए थे। क्या आप सबको मालूम है 31 मार्च साल 2017 की तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा के सरोजनी नगर स्थित गौशाला पहुंचे थे। तब अपर्णा यादव ने इस पर कहा था, बीजेपी में शामिल होने को लेकर 5 साल पहले ही उनसे सवाल किया गया था, जब रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के सांसद किया के अपर्णा को लखनऊ कैंट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं से लक्ष्य अपर्णा यादव ने बीजेपी की ओर नजदीकियां बनाने का शुरू किया था। और आपको बता दें, इस पर अपर्णा ने कहा था, हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार कहते रहे हैं कि वर्तमान में हम जो भी करें अच्छे से करें और भविष्य की बातों को भविष्य के गर्भ में छोड़ दें। भविष्य में जो होना है, जो भी है, जैसा भी हो, वो तो भविष्य में ही होगा। यानी कि बीजेपी के खिलाफ तो सपा में रहकर भी अपर्णा नहीं थी ये बात नहीं समझ सके थे अखिलेश कि उन्हें अगर तवज्जो नहीं दिया गया आने वाले समय में निश्चित रूप से वो बीजेपी में जाएंगी और सीएम योगी उनसे मिलते थे। तो आपको बता दे, अपर्णा अपने अच्छे के लिए भारतीय जनता पार्टी में पहुंची है 5 साल बाद। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा साल 2017 में चुनाव लड़कर हार चुकी थी। तो इस बार वो चुनाव लड़कर बीजेपी में जीत की उम्मीद नहीं कर सकती थी क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार पहले से ही तय हो चुके थे। अब ऐसे में आप सबको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में एक और खास बात अपर्णा यादव से जुड़ी हुई, जो शायद आप सबको मालूम ना हो। जी हाँ, यह आपको बता दे कि एनजीओ की मदद से गाय, भैंस और कुत्तों को कान्हा उपवन ले जाया जाता है और वहां उनकी देखभाल होती है। ये सब काम करती थी अपर्णा यादव, जिसके लिए वो काफी ज्यादा सक्रिय रही थी और इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनके सपोर्ट में होगा। तो आपको बता दे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज नहीं होंगे बीजेपी में अपर्णा के जाने से, इस तरह की खबरें शरद गुप्ता ने कहा था इस तरह की खबरों पर, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत खुश नहीं होंगे। तो जरा जान लीजिए ये बात भी आज, खास तौर पर मुलायम सिंह यादव ने क्यों आखिर अपर्णा यादव को बीजेपी में जाने से नहीं रोका। अखिलेश यादव राजनीतिक विवाद पर पिता मुलायम सिंह यादव के सामने अभी भी उतने मजबूत नहीं बताए जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को रोका था जब डिम्पल यादव को चुनावी मैदान पर उतारने का फैसला लिया गया। डिम्पल भी हार का सामना कर चुकी थी, लेकिन डिम्पल यादव की हार पर मुलायम ने कहा था कि मैंने तो कहा ही था कि बहू को चुनावी मैदान पर ना उतारा जाए, हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब जब अखिलेश डिम्पल यादव को चुनावी मैदान पर उतारे तो अपर्णा को वो रोक नहीं सकते थे। अपर्णा भी अपनी मर्जी से बीजेपी समाजवादी पार्टी में आई, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वहां उन्हें जो उम्मीदें थी चुनावी मैदान पर टिकट मिलने की, उन्हें नहीं मिली, तो फिर वो आ गई बीजेपी में। फिर मुलायम सिंह यादव भला अपर्णा को क्यों रोकते, इसीलिए आज अपर्णा के फैसले से नाखुश नहीं है बीजेपी में उनके आने से। अब मुलायम सिंह यादव नाखुश नहीं है, लेकिन सपा के संरक्षक होने की जिम्मेदारियां उन पर है, इसलिए वो अपर्णा के साथ बीजेपी के प्रचार के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सपा को उन्होंने खड़ा किया है और सपा के लिए वो अपने बेटे अखिलेश के साथ ही रहेंगे और बीजेपी पर वो निशाना नहीं साधते क्योंकि पीएम की वो तारीफ कर चुके हैं, वो उनसे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।